हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज के वीडियो में बताऊंगी कि जो मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मतलब कि बहुत सारे ब्रेस्ट फीडिंग के कमेंट्स आ रहे थे। कुछ है ना, मतलब कि उन लोग को गलत फहमियाँ हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, तो आज के वीडियो में वो सारे गलत फहमियाँ दूर करूँगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि मैं ये खाऊंगी तो मेरे बच्चे को सर्दी खांसी हो जाएगी, मैं दूसरी चीज़ खाऊंगी तो उसे लूज मोशन हो जाएंगे, उसे एसिडिटी हो जाएगी। ये गलत है, आप हर चीज़ खा सकते हो, बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। शुरुआती दिनों में लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि जब आप डिलीवर करते हो ना, तो आपके जो अंदर की चीज़ें हैं ना, वो एकदम लूज़ हो जाती है, उतना है ना उनको पावर नहीं होता सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने में। तो फिर आप है ना थोड़ा थोड़ा करके मतलब कि एक्सटेंड कर सकते हो। अगर चने की दाल खानी है थोड़ा सा खाओ, ज़्यादा नहीं खाना है। और अगर ज़्यादा स्पाइसी खाओगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है। ये नहीं होगा कि बच्चे को गैस हो जाएगा, बच्चे को पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होगा, आपको तकलीफ़ होगी ज़्यादा। अब चलिए सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ना कई कई माएँ बोलती है कि ब्रेस्ट फीडिंग से है ना उनका जो ब्रेस्ट है और उनका जो बॉडी है वो है ना डिस्टर्ब होगा, उनका फिगर ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप है ना अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे तो आपका जो फिगर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। पर आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉपर लैचिंग रखनी है, जो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया किस तरह से लैचिंग करनी है, और प्रॉपर इनर वेयर पहनना है आपको। उससे ये होगा कि ना आपका जो ब्रेस्ट सैगिंग होता है ना, नीचे थोड़ा लटकने लगता है ड्रेस, वो नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ के बारे में बताती हूँ है ना, कई घर में ऐसा होता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद पानी नहीं देते हैं, क्योंकि उससे बोलते हैं कि पेट भरता है, पानी ज़्यादा पीने से दूध में फ़र्क पड़ता है, पानी दूध का जो क्वांटिटी है और क्वालिटी दोनों में फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड्स, ये सारा झूठ है ना। डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि है ना जो दूध है ना वो 80% पानी और 20% दूध होता है, जिसके वजह से आपको जो दूध बनाने के लिए ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कम पानी पियोगे तो आपका जो दूध है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी कम हो सकती है। फ्रेंड्स, 80% पानी और 20% दूध, ये जो रेशियो में अगर बच्चे को कुछ भी देते हैं ना तो वो हजम हो जाता है बच्चे को। इसलिए जो माँ का दूध होता है वो 80% पानी और 20% दूध होता है। इस वजह से आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब आप कहोगे कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से पेट भरने की समस्या होती है। फ्रेंड, डिलीवरी के बाद 1.5 महीने तक है ना आपको बेल्ट बांधना है, पेट को अच्छी तरीके से टाइट बांधना है, जिसके वजह से जो पेट है ना वो अंदर रहेगा। हाँ, जो सी सेक्शन से हुआ है उसके लिए आप है ना अपने डॉक्टर से राय से ले सकते हैं, पर उसका भी बेल्ट आता है बांधने के लिए। चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि है ना जो रोटीज़ और चपातीज़ या फिर भाकरी होती है उसको कुछ इस तरह से मैश करके खाना चाहिए, अगर आप बाइट लोगे तो क्या ये जो दूध का जो टेक्सचर है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसमें डिफ़र होता है क्या? फ्रेंड्स, आपको जैसा खाना दिया जाता है आप वैसा खाना खा सकते हो, अच्छे से चबा चबा के खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है उसे मैश करके खाना। ये है ना एकदम बड़ा झूठ है कि है ना आप ना एकदम मैश करके खाओगे तो आपका जो दूध है वो अच्छे से होगा। जैसे आपके डॉक्टर ने कहा है आप उसी तरीके से खा सकते हो, अच्छे से चबा चबा के खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि है ना आपको मैश करके खाना है, ऐसा खाना है वैसा खाना है। फ्रेंड्स, अब पांचवी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये है कि इतने लोग कहते हैं कि है ना सफ़ेद चीज़ खाओगे, जैसे कि चीज़, ब्रेड, सफ़ेद दूध, सफ़ेद चावल, तो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस होगा सफ़ेद, क्योंकि दूध भी सफ़ेद होता है। सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस होगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। आप सफ़ेद खाओ, पीला खाओ, पीली दाल खाओ, या फिर रेड कलर का बीटरूट खाओ, तो भी आपको सफ़ेद दूध ही आएगा। अगर आपको दूध ज़्यादा बढ़ाना है ना, तो आप ये कर सकते हो कि सारी चीज़ें खाओ, जैसे कि अंडा खाओ, अपने डाइट में अंडा रखो, और
जो भी खाना खाओ वो हल्का सा नींबू उसके ना गार दो, तो इसके ना जो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। विटामिन सी लो, फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, सब खाओ, जिससे ना आपका जो दूध की क्वांटिटी है क्वालिटी सब अच्छी होगी। फ्रेंड्स लास्ट कमेंट जिसने किया था उसने कहा था कि है ना डिलीवरी के बाद उसकी सास बहुत सारा घी है और उसकी मम्मी भी बहुत सारा घी खिलाती है, दूध में घी, खाने में घी, चाय में घी, बहुत सारा घी खिलाती है, जिससे वो कहते हैं कि ना हड्डियाँ मजबूत होगी, बच्चे को भी ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट्स जाएगा, उससे वो भी मोटा होगा। फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा घी खाओगे आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके बच्चे को भी ज़्यादा फैट चीज़ें जाएगी और वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, वैसा भी कुछ नहीं होता है। पहले ज़माने में इसलिए दादी नानी को इसलिए है ना ज़्यादा घी खाने को बोलते थे क्योंकि वो है ना खेत में काम करती थी, घर में खुद ही आटा पीसती थी, चावल भी कूटती थी, जिसके बाद ही खाना बनाती थी, मतलब कि लॉट्स ऑफ फिजिकल वर्क होता था उन्हें, जिसकी वजह से उन्हें लॉट्स ऑफ फैट की ज़रूरत होती थी, इस वजह से उन्हें घी खाना सजेस्ट किया जाता था, एक ओनली चीज़ था जिसके वजह से उन्हें उनके शरीर में फैट जाए। हमें इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इतना फिजिकल वर्क नहीं है, इस वजह से हमें इतना घी खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खाना है तो विटामिन सी और डी की चीज़ें खाएं, जिससे है ना हड्डियाँ जो मजबूत हो, कैल्शियम खाएं जिसके वजह से हड्डियाँ मजबूत हो। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, होप सो आज का वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं पीहू और प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी करते हो, चलिए बाय।